बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने तीन केसेस को स्टडी किया, अब हम उनको देखते हैं। उसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस पेंसिल टू लोकेट इट्स इमेज। अब एक मिनट वेट करें। ये देखें, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, ये डायग्राम थी कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल एक्सेस कहाँ है। उसके बाद ये जो तीन रेज आ रही हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये अब हमने केस 1, 2, 3 ये तीनों डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे कि इमेज जो है वो कहाँ बनेगी इस पेंसिल की, क्योंकि आपको मैंने ये तो बता दिया ना कि ऑब्जेक्ट की जगह ये है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। लेंस भी दरमियान में हमारे पास मौजूद है। कौन सा लेंस है, ये कनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है ये हमारे पास। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन ये है कि इस पेंसिल की इमेज कहाँ बनेगी, वो तीनों लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी, इस लेंस के अंदर से मूव करेंगी। तो इसका आंसर सबसे पहले मैं आपको ये देती चलूँ कि जहाँ पे तीनों रेज जो हैं ना वो इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। अब हमने तीनों केसेस स्टडी तो कर लिए, अब हम देखते हैं कैसे, इसमें हमें कौन से पॉइंट जो हैं वो ज़रूरी चाहिए, हम लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले पिक अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पॉइंट हमने पेंसिल का पिक कर लिया कि यहाँ पर क्या है, जो है ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सेंड एनी टू लाइट रेज ऑफ द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट। टू लाइट रेज जो है हमने ऑफ द पॉइंट, उस पर ऑब्जेक्ट पे जो है वो सेंड होगी वहाँ से। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्टेड रेज को डिटरमाइन करना है कि कौन सी लाइट रिफ्रैक्ट हुई है। लाइट रेज ओनली रिफ्रैक्ट व्हेन इट हिट्स द लेंस। लाइट रेज सिर्फ उस वक्त रिफ्रैक्ट करती है जब वो लेंस को हिट करती है, मींस लेंस को हिट कर दिया उसने, पास होगी। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज। मैंने आपको पहले बताया इंटरसेक्शन क्या, जहाँ पर वो मिलती हैं उनकी क्रॉसिंग होती है लाइंस की एक पॉइंट पे, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाता है। आप उसको ढूंढें कहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया। इफ द रेज डू नॉट इंटरसेक्शन, एक्सटेंड द रिफ्रैक्टिव रे अनटिल दे डू। डोंट डू दिस फॉर पैरेलल लाइट रेज। देखिए, पैरेलल ही जो चीज़ जा रही है उसका यही मतलब होता है कि वो आपस में टच नहीं होगी, वो पैरेलल जाती हैं। लेकिन अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, आप पहले तो ये देखें कि इंटरसेक्ट हुआ है या नहीं। अगर तो इंटरसेक्ट नहीं हुआ, आप लाइट रेज को बढ़ा दें, लाइट रे और ज़्यादा कर दें। अगर फिर भी वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो उसका क्या मतलब आता है कि अगर लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो इमेज की फॉर्मेशन नहीं हो रही। अगर लाइट रे इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। यूज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नीडेड टू लोकेट इट्स इमेज। कि जो वो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का, वो किस चीज़ की लोकेशन होगी, इमेज की लोकेशन होगी। अब हम इसको देखते हैं, इन पॉइंट्स को अपने अपने माइंड में रखने। पहली क्या आ गई, रे 1 पेंसिल। पहले हम लोगों ने सिंपल केस डिस्कस किया, अब पेंसिल को माइंड में रख के करेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी। रे 1 कहाँ से आई, पैरेलली आई, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, और क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी पैरेलल प्रिंसिपल फोकस के थ्रू। अब आप देखें, एरो वाली लाइन जो मैंने आपको कहा ना, वो रियल लाइन होती है, वो जा रही, बट ये पीछे हमने जो रेड लाइन ड्रॉ की है, मीन्स ये इसकी लाइट के यहाँ पर एफ तक आके जहाँ पर स्टॉप हो रही। अब आपने इसको अपने माइंड में रखना, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया, मीन्स फर्स्ट रे का ये सीन आ गया। अब सेकेंड रे क्या है, अब सेकेंड रे ग्रीन वाली रे को आप देखें, उसमें क्या था, ट्रेवल थ्रू द सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। ट्रेवल क्या करती है, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस के थ्रू करती है एंड रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। या हमने स्टार्ट में पढ़ा था ये केस, वो क्या करती है, पैरेलली जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये एरो वाली लाइन को आप माइंड में रखें, उसकी भी आप दूसरी लाइन ड्रॉ कर लें जिससे आपने रेड वाली की है बेक पे, इसी तरह भी इसकी भी होगी। अब दो लाइन तो इंटरसेक्ट करेगी, अब हम तीसरी पे जाते हैं। ये मैंने आपको थर्ड केस के बताया था, ये ऑप्शनल है ना, कि पहले तो दो रेज मैंने आपको लाइट रेज का पॉइंट याद रखें कि वो मस्ट जो है पास करनी। अगर थर्ड लाइन है तो ट्रेवल थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड कंटिन्यू स्ट्रेट विदाउट बीइंग रिफ्लेक्टेड। ये स्ट्रेट जाती है बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। आपको ये तीनों मैंने पहले बता दिए हैं, लेकिन ये पेंसिल के लिए एग्जांपल के तौर पे आप फिर देखें, फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे।
अब आपने इमेज देखनी है कहाँ पे इमेज बन रही है, फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे किस पॉइंट पे मीट कर रही है, ये देखें, ये जहाँ पर सर्कल बना हुआ है ना येलो कलर का, इधर ऊपर देखें इस पेंसिल की जहाँ से शेप स्टार्ट हो रही है वो क्या आई है, आप और से देखें सब, उस पॉइंट का पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मींस तीनों रेज ग्रीन, रेड एंड ब्लू वहाँ पर ज्वाइन हो रही है, वहाँ पर फिर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, किसके अंदर, डाइवर्जिंग लेंस के अंदर, इसका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया है। उसके बाद एटीट्यूड क्या है, अपराइट, लोकेशन क्या है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद टाइप के वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनती है डाइवर्जिंग लेंस के अंदर। आई होप आपको ये समझ आई होगी, रे वन, रे टू एंड रे थ्री जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, मींस उनका जो पॉइंट क्रॉसिंग का आ रहा है कि वो वहाँ पर मिलती हैं वो लाइंस, तो वो पॉइंट जो है वो कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ द इमेज, कि ऑब्जेक्ट की इमेज वहाँ पर फॉर्म होती है जहाँ पर वो रेज क्या होती है, इंटरसेक्ट करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे इमेज जो है वो डाइवर्जिंग लेंस के अंदर फॉर्म होती है, कौन सी जगह पे लोकेट करती है, कैसे लाइट रेज पास होती हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं, कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। वीडियोज़ को अच्छे से वॉच करें, एक बार करें, दो बार करें, जो चीज़ समझ नहीं आई तो फिर मुझसे पूछें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Thank you.